अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन सर ने, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। आरजू जी, आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनने वाली है उसमें पहले आपको ग्रीट कर दूं। नी हाओ, होपफुली नहीं आप हाँ, चंगे पले होंगे, एंड नमस्ते फ्रॉम भारत। बहुत दुनिया आपसे नाराज है सर कि आप चाइना में बैठ के और फिर बैंड बजा रहे होते हैं सबकी। लेकिन मुझे ये बताइए कि G20 में जो है चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं जा रहे, उसकी क्या वजह है? देखिए, जो मुझे पता लगा है मैं आपको वो बता सकता हूँ कि अब क्या आपको पता कि सारे दुनिया में जो हिंदू हैं वो राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो शी जिनपिंग को लगा भी ये बंदा बैठा हुआ यहाँ पर, पता लगे मैं वहां गया तो ये पीछे से प्रधानमंत्री बन गया यहाँ पर या प्रेसिडेंट बन गया। वो डर गए, वो तो कहते यार क्यों जाना है वहां पर, पता लगे मैं वापस आया तो पता लगे कि वो जो है शी जिनपिंग को चले गए जेल में और मैं वहां पे हूँ प्रेसिडेंट। एक तो ये मेन मुद्दा था जिसके कारण वो नहीं आ पाए। दूसरा जो है और अनऑफिशियल जो मुद्दा है वो कुछ और है, वो है कि एक तो जो यहाँ पे इकोनॉमी है वो हिली हुई है। ही इज रियली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, जितने भी यहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी इनके जो है ना जिसको उनके फाइनेंस के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं कि इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अभी आपको मालूम है कि यहाँ पे जो रियल एस्टेट है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, 30% से ज्यादा तो रियल एस्टेट की मार्केट है चाइना के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो इन्होंने उसको रिवाइव करना शुरू कर दिया, अभी वो जो गिर रही थी उसको हल्का सा संभाला इन्होंने, नई पॉलिसीज लेकर आए हैं, अभी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज बन रही हैं। लेकिन इन चीजों के लिए एक यू नो एक कंटिन्यूअस आपको एफर्ट डालना पड़ता है, तो ही वांट्स टू पुट दैट एफर्ट। ये तो मेजर रीजन। जो लास्ट रीजन है वो ये है कि उनको मालूम है कि भारत में अब G20 आएगा, भारत को सेंटर स्टेज मिलने वाली है, मोदी जी को सेंटर स्टेज मिलने वाली है, और चाइना हमेशा ही भारत को अपना कंपेरेटर, मेन कंपेरेटर मानता है, क्योंकि उसको है कि मैं एशिया का टाइगर बनूं, यू नो मेन दादा बनूं। भारत उसके सामने खड़ा होता जा रहा है, राइज कर रहा है, इकोनॉमी राइज कर रही है, अब तो 7.8% हमारी ग्रोथ है आज की डेट में। चाइना ये देख नहीं सकता चीजों को, इसलिए ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अवॉइड कमिंग इन फ्रंट ऑफ मोदी जी, जहां पे मोदी जी एक स्ट्रांग पोजिशन में होंगे, वहां पर बहुत कुछ मोदी जी अनाउंस भी करने वाले हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाइना के अगेंस्ट भी अनाउंस होंगी। ही डजंट वॉन्ट टू फेस दोस, सो पहले भी वो चिकन आउट कर गए थे, इस बार फिर कर गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। लेकिन सर वो जैसे हमारे यहाँ कहावत है, एक वो कहते हैं कि जी मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो चाइना की इकोनॉमी कितनी भी खराब हो जाए, अभी भी लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है और यस उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते भारत या किसी भी और कंट्री के साथ। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि इकोनॉमी चाइना की जो है वो खत्म हो रही है और चाइना जो है वो अब घुटनों पे आ जाएगा, तो आपको लगता है कि ऐसा होगा या ये लोग जो है वो एक बार फिर अपने आप को उसी उसी जगह पे ले आएंगे जहां पहले थे? क्योंकि मैंने तो कुछ साल पहले तक ये तक सुना था कि जब इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी, उस वक्त की बात कर रही हूँ, कि लोग कहते थे कि जी चाइना जो है एशिया में चाइना जो है सबसे स्ट्रांग जा रहा है और तीसरी जो वर्ल्ड पावर है, हो सकता है कि चाइना को देखें। देखिए अर्जु जी, हमें मानना पड़ेगा चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ये अभी हिले हुए हैं लेकिन ये डाउन आ रहे हैं, लेकिन ये यही नहीं है कि इनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। भाई दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस है यहाँ पर, दे आर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओवरनाइट कोई चीज डूबती नहीं है ऐसे, ये कोई शिप नहीं है, शिप को भी डूबने में कई घंटे लगते हैं, ये तो इतना बड़ा जहाज है, अगर डूबने लगेगा इसको भी डूबते डूबते भी 10-20 साल निकल जाएंगे इनके, क्योंकि कंट्री के पास बहुत पावर्स होती हैं जिसको वो यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को इतना भी ओपन नहीं किया कि अब ये और उसके पास स्कोप नहीं है। मैं बड़ी वीडियोस बनाई है इसके ऊपर कि जो लोग बोलते हैं कि बस चाइना अगले महीने में ये खत्म हो जाएगी इकोनॉमी और 3 महीने में इसके टुकड़े हो जाएंगे, वो बेवकूफ आप भी हैं जिनको कोई भी इकोनॉमी की समझ नहीं है, वही लोग ऐसी बेवकूफी की बातें बोलेंगे। वो तो यहाँ तक बोल देते हैं कि भी बैंक के लोन देने के लोगों के पास पैसे नहीं है, वो घर से अपने फ्रिज में से तरबूज निकाल के दे देते हैं कि भी मेरे पास तरबूज है तो मुझे ले जाओ और मेरे पैसे पूरे कर लो इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि कोई बेवकूफ ही ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। एज फार एज इकॉनमी इज कंसर्न, इकॉनमी में वजन है, अभी भी बहुत गैप्स हैं जो फिल अप कर सकते हैं, जैसे इन्होंने फॉरनर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं कर सकते थे, अभी वो खोल रहे हैं। प्रॉपर्टी फॉरनर्स नहीं खरीद सकते थे, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे घर खरीदना था, मुझे अपनी वाइफ के नाम पर खरीदना पड़ा, मैं अपने नाम पे नहीं खरीद सकता था, अभी ये ओपन कर रहे हैं कि आप वो चीजें करिए। तो उससे क्या होगा कि जो फॉरनर्स हैं या फॉरेन की कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर आके और इन्वेस्ट कर सकती हैं,
देर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स विच चाइनीज कैन डू, और ये अपने कार्ड्स को बहुत आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं। ये हमारी तरह नहीं है कि 52 के 52 कार्ड्स खोल दिए और उसके पास फिर पता नहीं आगे, उसके बाद जोकर का कार्ड राहुल गांधी को ले आए सामने, एक ही कार्ड रह गया था उनके पास। तो ये चाइना ऐसा नहीं करता, ये अपने कार्ड्स को बहुत स्लोली स्लोली खोलते हैं, तो इनके पास बहुत स्कोप है। जो यो मैं आपको बड़े दावे से बोल सकता हूँ, चाइना अभी नहीं डूबेगा, इनको टाइम लगेगा। अगर तो लेकिन अगर इन्होंने जो पॉलिसीज अभी लेकर आ रहे हैं, अगर ये सेट बैठ गई इनकी, क्योंकि तो कोई भी पॉलिसी अब नहीं लेकर आते हैं उसको टाइम लगता है। हमने 370 2019 में खत्म किया, उसका रिजल्ट आज आ रहा है कि आपके जो पीओके है और गिलगित बल्किस्तान है उसके अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए कि हमें भी वैसी ही आजादी चाहिए जैसी यहाँ पर है। 4 साल लगे, जबकि इसको खत्म किया 4 साल हो गए हैं, रिजल्ट आज आ रहा है। तो चाइना जो आज रिजल्ट पॉलिसीज लेकर आ रहा है, इसको भी 2-3 साल लगेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ अगले 2 साल में हमें पता लगेगा चाइना कहाँ जा रहा है, विल इट बी राइजिंग और विल इट रिमेन स्टेबल, या आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, इट विल टेक टाइम। तो ये जो अपने आप को बोलते हैं ना कि वी आर अर्थशास्त्री बोलते हैं यहाँ पर भारत में, इकोनॉमिस्ट हैं, ये वो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कुछ भी काम कभी कहीं किया नहीं है, कहीं ना कहीं भारत बाहर जाते हैं पोचे पूछे लगा के वापस आ जाते हैं, जिन्होंने किसी बड़ी कंपनीज में काम नहीं किया, बड़ी पोजिशन में कभी बैलेंस शीट नहीं देखी होगी इन्होंने कि बैलेंस शीट होती क्या है। इन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट कभी डील नहीं करी, कंट्रीज की बैलेंस शीट पता नहीं कैसे एनालाइज करते हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर, गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात की, आजाद कश्मीर की, तो वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट जाहिर है जब उनको राइट्स नहीं देगी, और वैसे आजकल तो खैर महंगाई की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी बिल और कई दूसरी चीजों की वजह से भी वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले अभी तक गवर्नमेंट कुछ दिन पहले तक इस चीज को छुपा रही थी और छुपाया करती थी, लेकिन अब ये बात सामने आ गई कि अब तो टीवी चैनल्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और खुल्ला खुल्ला बताया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं होती, इसको बताना चाहिए और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या इश्यूज हैं। लेकिन सर, साथ साथ चाइना के लिए ये भी कहा जाता है कि चाइना पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सी पैक तो आप जानते हैं जिस तरह से चल रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि चाइना के बहुत ज्यादा काबू में है पाकिस्तान, हर बात जो है वो मानी जाती है। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि चाइना पाकिस्तान को यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। आप क्या कहेंगे? आरजू जी, पहली बात यह कि जब G20 हो रहा है उसमें आपको खुशखबरी देना चाहता हूं मैं एक, कि वहां पर मोदी जी आपके फेवर की बात करने वाले, और बहुत बड़ी फेवर की बात करेंगे, आपके लोन के बारे में वो बात करने वाले, तो आपको खुशी होनी चाहिए। ये खुशी नहीं है कि हम आपको लोन देने वाले, नो, वी आर गोइंग टू टॉक कि जो बेवकूफी आपने करी चाइना से पैसे लेकर और डेट ट्रैप में फंस गए इनके, उसके बारे में मोदी जी बात करने वाले हैं, और ये भी एक रीजन है जिसके कारण शी जिनपिंग भारत में नहीं आ रहे। और उसमें डेट ट्रैप में बात करी जाएगी कि भी कैसे चाइना दूसरे कंट्रीज को फंसाता है, पहले लोन देता है उसको फंसाता है, फिर अपनी मन मर्जी की चीजें उनसे करवाता भी है। ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज भारत की सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ एडवेंचर चाइना के कहने पर हमारे साथ करेगा, और आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि तो आपको आपने पहले भी देखा कि 2 दिन पहले जब तो आपका प्रेसिडेंट जो है सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, वो जब इलेक्शन डिक्लेयर करने वाले थे तो थप्पड़ मार के उनको चुप करा दिया गया कि खबरदार अगर तुमने इलेक्शन की डेट अनाउंस करी, दैट मीन्स कि जो आपकी आर्मी है वो चाहती नहीं है कि अभी इलेक्शंस हो, दे वांट टू डिले इट। और अब डिले करने का आपके पास मुद्दा क्या है? आपके पास देखिए, आप ये बोले हैं लोगों को कि इकोनॉमी ठीक नहीं है इसलिए हम इलेक्शंस नहीं करवा रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिर्फ एक एक्सटर्नल बोलेंगे कि भी हमारे पास थ्रेट है, एक्सटर्नल थ्रेट, इसके कारण हम इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे हैं, तो पूरी कंट्री एकजुट हो जाएगी, एक एक एकदम एक पेज पे आ जाएगी, सेम पेज, जैसे इमरान खान बोलते हैं ना, वी आर ऑन द सेम पेज, तो पूरी कंट्री आर्मी के साथ एक पेज पे आ जाएगी कि भारत से खतरा है। अब खतरा कैसे होगा? हम तो आपको टच भी नहीं कर रहे, हम तो आपकी तरफ देखते भी नहीं है, नाम भी लेते नहीं है, तो थ्रेट तभी आएगा जब आप हमें कोई ना कोई पंगा लेंगे, और उसके बाद फिर आपको डर लगेगा कि देखिए भारत कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। सो आई एम प्रेटी श्योर, मैं लिख के दे सकता हूँ, पाकिस्तान चाइना के कहने पर कुछ ना कुछ एडवेंचर अगले 2 या 3 महीने में भारत के साथ करेगा, ओनली टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ योर कंट्री, अदरवाइज इनके पास कोई और तरीका ही नहीं है। और चाइना भी ये चाहता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले पहले कुछ एडवेंचर है ना कराया जाए, और आप तो वैसे ही एडवेंचर के लिए रेडी रहते हैं।
नहीं सर, मैंने तो यहाँ भी मुझे एक पुराना कोई किसी ने सुनाया था जोक, याद आ रहा है कि वो एक एक औरत थी, वो जा रही थी वहां पे रोड पे, तो एक आदमी बैठा था, तो उसने कहा कि तुम तो मुझे छेड़ोगे, तो उसने कहा मैं क्यों छेड़ूंगा, फिर उसने कहा नहीं तुम तो मुझे छेड़ोगे, और ऐसे ही कहती रही, तो लास्ट में उस बंदे ने छेड़ ही दिया। तो वो वाली बात आप कर रहे हैं कि नहीं, आप कोई एडवेंचर करेंगे, जरूर करेंगे, मतलब हमारा कोई प्लान नहीं है सर, हमारे पास खाने को नहीं है, हमने एडवेंचर क्या करना है। और इस वक्त हम यही चाह रहे हैं कि जी जो हमारे रिलेशंस हैं वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे हों, और इस वक्त इकोनॉमी पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हाल खराब है लोगों के, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह से, तो हम क्यों सर एडवेंचर करेंगे भारत में? आरजू जी, चाहने में और करने में बहुत फर्क होता है। आप चाहते हैं कि आपके सबके साथ रिलेशन अच्छे हों, चाहने में और करने में है कि आप करते क्या हैं कि उसके रिलेशन ठीक हो। अफगानिस्तान में आपने चाहा, चाय पी, वहां पर जाके कॉफी पी, जिसने पी उसको बाहर निकाल दिया। और उसके बाद आप बताइए आपने क्या एफर्ट डाला कि उनके साथ रिलेशन ठीक किए जाए। ईरान के साथ क्या किया आपने, हमारे साथ क्या किया, चाइना के साथ क्या किया, जिसके आप 25-26 बिलियन डॉलर खा के बैठ गए हो। आपने उनके, जहां से आप पैसे ले रहे हो उनके आदमियों को आप अपने ही कंट्री में मारी जा रहे हो। अब इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए आप क्या एफर्ट डाल रहे हैं कि आपके नेबरिंग कंट्रीज के साथ आपके रिलेशंस ठीक हो। अब बांग्लादेशी हैं, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, श्रीलंका के साथ अच्छे नहीं है, अब दुनिया में अमेरिका के साथ अच्छे नहीं है, अब तो जो अरबी हैं उन्होंने भी आपकी तरफ देखना बंद कर दिया। नहीं किसके साथ अच्छे हैं आपके? सर, रिलेशंस तभी अच्छे होते हैं जब इकोनॉमी अच्छी होती है, जिस वक्त चाहे वो कोई कंट्री हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, अगर किसी के हालात खराब होंगे, पैसा नहीं होगा, तो उस वक्त दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब छोड़ के भाग जाते हैं, और आरजू जी, हर एक को जो है वो प्रॉब्लम नजर आती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी तो ही रिलेशंस ठीक होंगे, अगर आप बार कैसे बार किसी के मांगने के लिए जाएंगे तो रिलेशंस कैसे सही होंगे, दरवाजा बंद होगा, फोन नहीं उठेगा। आप मुझे बताओ कैसे ठीक होंगे? अभी वो एक फकार हैं आपके यहाँ पर, अपने शो में भी कई बार हमारे साथ इकट्ठे आए हैं। उन्होंने एक शो करवाया, कोई पीएचडी हैं, नाजिया थी, ये क्या, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम नाउ, एंड यू नो इतनी पढ़ी लिखी, शी इज अ पीएचडी, एंड शी वॉज सेइंग कि देखिए जो आईएमएफ हमारे साथ कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। आई वॉज सरप्राइज कि अगर पढ़े लिखे आदमी ऐसी बातें करेंगे कि आईएमएफ हमारे साथ गलत कर रहा है, उनकी शर्तें बहुत गलत हैं। मैंने बोला मैडम वो तो आपको, हम भी आईएमएफ में गए थे एक बार, श्रीलंका भी गया है अभी आईएमएफ में, दिवालिया होने के बाद आईएमएफ ने जो शर्तें रखी उनके पास भी, आप अपनी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको कम कीजिए, मिलिट्री के एक्सपेंसेस को कम कीजिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसको आप दोबारा से इन्वेस्ट करिए अपनी कंट्री में, आपकी कंट्री राइज करेगी। उन्होंने यही चीज हमें भी बोली थी, हमने एक बार पैसे लिए आईएमएफ से, उनकी शर्तें मानी, इम्प्लीमेंट किया, आज वी आर द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर आपको उन्होंने बोला, आपने बोला नहीं हम गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कम नहीं कर सकते, हम आर्मी के एक्सपेंसेस कम नहीं कर सकते, तो आपको बार बार भीख मांगनी पड़ेगी क्योंकि आप किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। सो व्हेन जो पढ़े लिखे लोग आपकी कंट्री के, वो भी ऐसी बेवकूफों वाली बातें करेंगे क्योंकि आईएमएफ हमारे ऊपर जो शर्तें लगा रहा है वो गलत हैं, दिस इज नॉट राइट। दैट मीन्स आपकी कंट्री में एक एक आदमी एक ही चीज चाहता है कि जितने इंटरनेशनल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्रीज हैं, ये सारी आपको ब्लैंक चेक देती जाए साइन कर करके हर एक महीने, और आप अपने वो पैसे अपनी जेब में डालते रहो। ऐसा नहीं होता है कि और सर भूल भी जाएं उसके बाद, मतलब हाँ याद भूल भी जाए, रखते हैं ये लोग। हाँ वापस भी ना मांगे। तो ये जो जो आपके ना ये क्या डीएनए का पार्ट है या पढ़ाई नहीं लिखाई में प्रॉब्लम है कि पढ़ा लिखा आदमी वो भी ऐसी बातें करता है, तो मुझे हैरानी होती है कि कैसी कंट्री है ये। नहीं सर, मैं तो कहती हूँ कि आईएमएफ ने बिल्कुल सही किया है, बल्कि इनको पैसा देना ही नहीं चाहिए था आईएमएफ को, यस इसलिए कि जब तक इनको इस तरह से पैसा मिलता रहेगा, ये यही करते रहेंगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, खुद से काम करना नहीं शुरू करेंगे। हमारे लोगों की करप्शन आपकी कंट्री में भी होती है सर, करप्शन हमारी कंट्री में भी होती है, लेकिन आपकी यस कंट्री की करप्शन आपके कंट्री के अंदर ही घूमती है, हमारी बाहर चली जाती है, ये डिफरेंस है। हमारे उठाते हैं वो कनाडा, यूके, और वहां पहुंचा देते हैं, आप क्या, क्योंकि अंदर ही अंदर घूमती रहती है, तो कंट्री को उस तरह से डैमेज नहीं होता जैसे पाकिस्तान को होता है। तो डेफिनेटली ये है, अभी आज भी हमारे यहाँ से अनाउंस किया जा रहा है कि जी आर्मी चीफ ने मीटिंग की है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, और उन्होंने कहा है कि यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, और इस तरह से जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके नाम लिए हैं कि वो 25 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। आपके ख्याल से मतलब करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब कह रहे हैं भाई आर्मी चीफ, कह रहे हैं मैं उनको क्या बोलूं कि, लेकिन ये कि आरजू आपके ख्याल से गल्फ कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगी?
25 बिलियन पाकिस्तान के अंदर। पता क्या है, आप लोग ना जो है दुआ वगैरह 5 बार करते हो दिन में ना आपकी कंट्री में, और दुआ भी एक ही चीज होती है, हे अल्लाह डॉलर भेज, और कुछ नहीं सोचा जाता। और वही चीज जो आपका आर्मी चीफ है उसको पता है कि 75 साल से ये चूरन हमारे कंट्री में बहुत अच्छी तरह से बिकता है। और उन्होंने स्टेटमेंट, ये तो जो एक बच्चे वाले स्टेटमेंट है कि 25 बिलियन डॉलर आ रहे हैं, इतना भी कोई बेवकूफ नहीं है कि वो 25 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देगा, वो भी आज की डेट में। उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि द वर्स्ट इज ओवर एंड अनदर 5 ईयर्स वी विल गोइंग टू बी टॉप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नहीं नहीं ये नहीं भी नहीं ये फेक स्टेटमेंट है, ये बहुत से लोगों ने शेयर किया है और मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने बोला है, ये नहीं बोला। लेकिन बाकी हाँ, बिलियंस जो डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात जरूर की, लेकिन ये जो आप स्टेटमेंट बता रहे, ये स्टेटमेंट फेक है, ऐसा नहीं कहा। ये जो आपके मुनीर साहब हैं, इन्होंने पहले भी बोला था कि भाई द वर्स्ट इज ओवर, ये तो आप मानते हैं द वर्स्ट इज ओवर भाई। हाँ ठीक है, अब मैं चलो इसी पे आ जाता हूँ। द वर्स्ट इज ओवर मीन्स 300 पे हमने डॉलर को लेके जाना था, हम 325 30 पे पहुंच गए हैं, सो वर्स्ट इज ओवर, दिस इज ओवर टारगेट, हम चले गए हैं, तेल 300 क्रॉस कर गया, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तो वर्स्ट इज ओवर, जो बिजली का बिल है वो जो 90 रुपये था वो 100 रुपये हो जाएगा, तो वर्स्ट इज ओवर। आई डोंट नो व्हाट इज वर्स्ट देन, अगर ये वर्स्ट ओवर है तो वर्स्ट क्या है। एंड मुझे एक चीज और समझ नहीं आती कि आपके कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर है लेकिन जो आर्मी चीफ है वो इकोनॉमी की बात करता है, जबकि उसने जिंदगी में, ये वही वाली बात होगी जो पहले बात कर रहे थे हम लोग, कि जिन लोगों ने कभी भी बैलेंस शीट देखी नहीं है, उनको पता नहीं है नंबर्स कैसे होते हैं, वो इकोनॉमी के बारे में और फाइनेंस के बारे में और कंट्री डूब जाएगी पड़ जाएगी उसकी बातें करते हैं। तो आपका जो आर्मी चीफ है वो भी वही काम कर रहा है जो ऐसे इकोनॉमिस्ट बात करते हैं, कि जिनको ए बी सी भी मालूम नहीं है फाइनेंस की, उनको तो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन ही से नहीं, दैट। सेकेंडली, आपने बोला कि क्या दूसरी कंट्रीज जो अरब कंट्रीज हैं वो आपको पैसे देंगी। देखिए आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो अरब्स है ना, ये अब ब्लैंक चेक देना बंद कर दिया है, और मोहम्मद बिन सलमान ने बोला भी था कि सेट योर हाउस राइट, ब्लैंक चेक्स मैंने इशू करने बंद कर दिए। देखिए जिस तरह से वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपने आप की अपनी इकोनॉमी को खोल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो आपको 25 बिलियन डॉलर किसी भी हालत में देने वाले हैं। भाई आपको जो अभी तक पैसे दिए हैं, जो 3 या 5 बिलियन डॉलर आपके पास है, वो खर्च करने की परमिशन तक नहीं है आपको, वो आपको सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिए हुए हैं। आपको लगता है कि जिस कंट्री को उन्होंने 5 या 6 बिलियन डॉलर सिक्योरिटी पे रखने के लिए दिए हो, जिसके ऊपर आप ब्याज दे रहे हो, एक उम्मा कंट्री को, मुस्लिम कंट्री को, जहां पर ब्याज लेना हराम है, वो आपसे 4 या 4.5% इंटरेस्ट ले रहे हैं आपसे, आपको लगता है कि ऐसी कंट्री को वो और 25 बिलियन डॉलर देंगे। नंबर्स आप खुद जोड़ लेना, मुझे इसके ऊपर और बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बैलेंस शीट को, फाइनेंस को, इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आई एम ट्रेन्ड इन दिस, नहीं ऑन दिस नंबर्स। सर, मैं खुद भी हैरान हूँ कि मतलब ये इतने दावे से जो कह रहे हैं कि जी 25 बिलियन यहाँ पर आएंगे, लेकिन सर एक चीज और है, पाकिस्तान के अंदर पैसा है, पब्लिक के पास है, ये बात भी कही जा रही है। कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो ये हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है या ये, इन्होंने बैंक में पैसे नहीं रखे क्योंकि ये इनको भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का। ठीक है, कभी भी खुद कुछ सालों पहले जो है इन्होंने डॉलर अकाउंट्स जो थे वो सील कर दिए थे, अभी नहीं फ्रीज कर दिए थे, सॉरी कुछ टाइम पहले इवन मेरे मामू का अकाउंट फ्रीज हो गया था, तो वो वो पीए बेचारे वाले, वहां अच्छा से नहीं दूसरे जिन्होंने पीआई को लूट के पैसे रखे थे अपने पास, वो बोले नहीं, एयरफोर्स वाले। तो वो जब आए, वो यूरोप में रहते हैं, तो जब वो आए तो उनका अकाउंट ही फ्रीज हुआ, क्योंकि उनका ये था कि वो आके यहाँ से पैसे लिए डॉलर और फिर चेंज करा के पाकिस्तान में जितने दिन रहना है तो वो अपने कर लिया खर्चा। तो इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन वो काफी साल पहले की बात बात मैं बता रही हूँ। तो लेकिन हुआ है, आप हिस्ट्री में है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। तो लोग डरते हैं, पैसा बैंक में जमा कराते हैं, लोगों के अभी भी घर से बट बहुत पैसा निकल निकल आता आरजू है जी, बिजनेस कम्युनिटी का। आरजू जी, मुझे बताइए कि आपके कंट्री में कितने बिजनेसमैन होंगे, आप गिन सकते हैं? 100, 200, 500, 1000, 10,000। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट 10,000 फैमिलीज जिनके पास पैसा है। 25 करोड़ की आवाम है आपकी, आप 25 करोड़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अभी आप भी यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर वो 10,000 की बात करते हैं जिनके लिए पॉलिसीज बनती हैं, जिसके लिए आर्मी चीफ भी बातें करता है और आपके हुक्मरान भी बातें करते हैं। दैट मीन्स द पॉलिसी एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस 10,000 पीपल, कि उनके पास पैसा है।
वो तो फिर हर एक कंट्री के अंदर होता है, भारत के अंदर भी ऐसे जो है हमारे पास हो सकता है 1 लाख 2 लाख ऐसे बिजनेसमैन हों जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो भी बैंकों में रखते भी हैं। वैसे तो मोदी जी ने सबके नोटबंदी में निकलवाई दिए थे पैसे, सारे के सारे पैसे तो उन्होंने जमा करवाई दिए थे। यहाँ भी कह रहे हैं सर, कह रहे हैं 5 हजार का नोट बंद करने जा रहे हैं, यहाँ भी बात हो देखिए रही है, तो उससे पैसा निकल आएगा बाहर, नहीं? मैंने लिटरली बता रहा हूँ, IMF को मैंने ऑलरेडी एक बार मैंने मेल डाला हुआ है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF को, क्योंकि वहां पे भी हिंदू अपने हमारे हैं लोग, एंड आई सेंड देम अ मैसेज कि अगर आपको पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने हैं आप इनको लोन पाकिस्तानी रुपीज में दीजिए ना कि डॉलर्स में, तभी पैसा पाकिस्तान में रहेगा। और जिस दिन ये पॉलिसी आपके कंट्री में इंप्लीमेंट हो गई, ये जैन बुद्धि है, मैं आई कम फ्रॉम अ जैन कम्युनिटी, हमारे से बेटर अदानी वो भी जैन है, हम लोग बिजनेस कम्युनिटी हैं और हजारों सालों से हम यही काम कर रहे हैं, हमने कोई और काम किया ही नहीं है, और जो हमारे रास्ते में आया उसको हमने हटा दिया, बेचारा वो गौरी था, गजविनी था या औरंगजेब था, हमने किसी को छोड़ा नहीं है, इवन गुजरात में भी लोगों को छोड़ा नहीं जिन्होंने हमारे से पंगा लिया। तो वी कम वी हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर कम्युनिटी। तो मैं आपको भी ये चीज बता रहा हूँ कि यू शुड टेल, क्योंकि आप शहबाज शरीफ की ऑलरेडी यू आर डॉटर फॉर हिम, एंड जो नया प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, आपके शो के ऊपर वो आते रहे हैं पहले भी, तो ये जो जी ककड़ी है ककड़ी को बोलिए कि भैया तुम जो है डॉलर जो लेने की बातें कर रहे हो, कर हाँ ककड़ ककड़ सॉरी, वो हमारे ककड़ी बोलते हैं तो मुझे वो ककड़ी याद हाँ रहती है हमेशा, ककड़ जो मिस्टर ककड़ हैं उनको बोलिए कि जो आप कभी कीनिया चले जाते हैं कभी कहीं और जाते हैं कि भी हमने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, जबकि आए तो प्रधानमंत्री 3 महीने के लिए हैं लेकिन वो बातें बड़ी 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 करते हैं, तो मुझे लगता है कि ही रियली मीन्स बिजनेस, कि वो पाकिस्तान को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको बोलिए लोन लेना है तो सिर्फ पाकिस्तानी रुपये में लीजिए तो ही आपकी कंट्री बच सकती है, ये मैं नहीं गारंटी दे रहा हूँ सर, आपको। सर होना चाहिए, लेकिन खैर हम भी बरसों से जो है वो लोन लेते जा रहे हैं और वापस नहीं कर रहे हैं, तो हमारा टैलेंट भी जो है वो इस वक्त चेक हो जाएगा कि क्या होता है, सिर्फ बात आपकी नहीं है। लेकिन सर देखते हैं कि किस तरीके से ये G20 आगे बढ़ता है, और उसके साथ साथ चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो आप कह रहे कि कुछ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, तो आई विश कैसा ना हो और आपकी ये बात जो है वो गलत साबित हो और पाकिस्तान इस तरह की कोई, हाँ आई विश कि जो आपकी जो अभी विश है वो पूरी हो कि कोई भी ऐसा एडवेंचर ना किया जाए, हाँ बिकॉज बिल्कुल देखिए भारत इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पर है, वी डू नॉट वॉन्ट अस टू बी डिस्टर्ब, लेकिन हमारे जो बिल्कुल दोनों नेबरर्स हैं वो चाहते हैं कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाले सिचुएशन है हाँ दोनों की, तो नहीं देखिए देखते क्या होता है, आई विश कि नहीं ये ना हो बट लेट्स हाँ सी। आई विश कि इस जगह जाके आप जो है वो गलत साबित हो और ऐसा कुछ ना हो। यस थैंक यू आई सो विश, मच थैंक सर कि आपने आज ज्वाइन यू जी, किया। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू।